चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन से चलने वाली तेलंगाना सरकार ने फैसला किया है कि वो नए सरकारी सचिवालय में 2 मस्जिद, 1 मंदिर, 1 चर्च और 1 गुरुद्वारा बनाएगी। यानी धार्मिक स्थल बनवाने के लिए सरकार खुद पैसा खर्च करेगी। सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उनका ये फैसला गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। दरअसल तेलंगाना सरकार हैदराबाद में पुरानी इमारत गिराकर सचिवालय की नई इमारत बनवा रही है। पुरानी इमारत को गिराने के दौरान 2 पुरानी मस्जिदें और 1 मंदिर भी गिरा दिया गया था, जिस पर सीएम केसीआर ने दुख जताते हुए आश्वासन दिया था कि एक बड़े क्षेत्र में इन धर्म स्थलों का निर्माण किया जाएगा, चाहे इस पर करोड़ों खर्चा क्यों न हो जाए। अपने वादे के मुताबिक तेलंगाना के सीएम केसीआर ने शनिवार को यह ऐलान किया कि आने वाले विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद उसी दिन सभी धार्मिक स्थलों के लिए आधारशिला रखी जाएगी और निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने ये फैसला प्रगति भवन में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ सचिवालय में एक नई मस्जिद के निर्माण और अन्य मुद्दों को लेकर एक बैठक के दौरान किया। बैठक के बाद सीएम केसीआर ने कहा, 750 वर्ग फुट यानी कुल 1500 वर्ग फीट में इमाम क्वार्टर सहित सरकार 2 मस्जिदों का निर्माण कराएगी। नई मस्जिदें उसी स्थान पर बनाई जाएंगी जहां वो पहले थी। निर्माण के बाद नई मस्जिदें राज्य वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाएंगी। मंदिर निर्माण के बारे में सीएम केसीआर ने कहा, मंदिर का निर्माण 1500 वर्ग फीट में किया जाएगा और निर्माण के बाद मंदिर को एंडोमेंट्स विभाग को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि ईसाई समुदाय की मांग थी कि नए सचिवालय में उनके पास भी चर्च होना चाहिए। सरकार चर्च का निर्माण भी कराएगी। सीएम केसीआर ने अपने इस फैसले पर कहा, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, ये धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाएगा, ये गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, इसलिए सभी धर्मों के लिए नए सचिवालय में नए पूजा स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। विधानसभा सत्र के बाद इन स्थानों के लिए आधारशिला उसी दिन रखी जाएगी। बता दें, राज्य सरकार ने 7 जुलाई को पुराने सचिवालय को गिराना शुरू किया था, जिसके बाद सरकार को कई कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा था। पुराने सचिवालय की इमारत गिराए जाने के दौरान ध्वस्त हुए नल्ला पोचम्मा मंदिर और मस्जिद दफातिरे मुआतमदी और मस्जिद हाशमी का ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुका था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वो कार्यकारी आदेश या राज्य विधानसभा या संसद में प्रस्ताव पारित करके उसी स्थान पर धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण का आश्वासन दें।